हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूजटेक में। आपको आज बताने वाला हूँ, कोई भी अगर आपके घर में कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप उसे स्कैन करना चाहते हैं तो किसी सॉफ्टवेयर या फिर ऐप्स की जरूरत पड़ती है। बट मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जो किसी भी ऐप्स और सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल ही आसान तरीका है कैसे ये स्कैन कर देता है कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन विदाउट एनी ऐप्स। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वीडियो के दौरान मिल जाएगा आपको पूरी जानकारी, तो आप अंत तक वीडियो देखते रहिए। चलिए देखते हैं क्या है ये ट्रिक। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बिना किसी ऐप्स के बताने वाला हूँ कैसे स्कैन करते हैं। इसके लिए गूगल ड्राइव में जाना पड़ेगा। गूगल ड्राइव जो है मोबाइल के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है। यहाँ पर उसके बाद प्लस चिन्ह है, तो प्लस चिन्ह पर क्लिक करते हैं, ब्लू रंग में आता है और इसके बाद स्कैन ऑप्शन आता है। ओके, तो स्कैन पर क्लिक करते ही कैमरा हमारा ओपन हो जाता है। कैमरा ओपन होने के बाद जिस डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन करना है उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मोबाइल को ले जाइए। उसके बाद यहाँ पर अपने अनुसार सेट कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद क्लिक कीजिए, ठीक है, कैप्चर पर। और बता दूँ कि आप फ्लैशलाइट ऑन या फिर ऑफ़ करके भी कर सकते हैं। मैं यहाँ ऑफ़ करके कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पर कुछ सेटिंग है, क्रॉप का सेटिंग है। राइट कॉर्नर में ऊपर की तरफ तीसरे नंबर पे क्रॉप पर क्लिक करते ही यहाँ पर इस तरह से आता है क्रॉप करने को। यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्टिव पॉइंट प्रॉपर तरीके से मैग्नीफाई करके दिखाता है। वहाँ से देख के आप प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है। ओके, इस तरह से सेलेक्ट कर चुके हैं अपना एरिया, जितना दूर तक डॉक्यूमेंट्स रखना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर बगल में कलर पैड है, यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट में स्कैन हुआ है, आप कलर में भी रख सकते हैं। कलर में रखने का मतलब डॉक्यूमेंट्स जो कलर में था ओरिजिनली। उसके बाद कलर ड्राइंग में रखने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। मैं यहाँ पर कलर में ही रखता हूँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कलर का था उसी कलर में। उसके बाद बगल में कुछ सेटिंग है, देखिए यहाँ पर डिलीट पेज कर सकते हैं, पेज को रीनेम कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं। मैं रोटेट कर ले रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स को सीधा कर ले रहा हूँ। उसके बाद और अदर सेटिंग भी है, तो वो देख लीजिए, एक्स्ट्रा सेटिंग जो एडवांस सेटिंग है, ठीक है। पेज साइज़ और भी पेज की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, हाई, नॉर्मल, लो, जो भी है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर साइन बटन है, साइन बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है अब ये सेव हो रहा है। ओके, ये सेव हो रहा है। ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है सेव हो चुका है। अब मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऑप्शन है, ऑप्शन में देखिए रीसेंट है, रीसेंट में अभी अभी जो हमने सेव किया है वो आ गया है। अब इसे मैं ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये रहा हमारा जो डॉक्यूमेंट जो है सेव हो चुका है और इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, डाउनलोड करके शेयर कर सकते हो या फिर ये ऑनलाइन सेव रहता है। ओके, यही है हमारा जो बिना ऐप्स बिना किसी सॉफ्टवेयर के स्कैन कर देता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कैसे ये ट्रिक काम करता है, जो गूगल ड्राइव है कैसे ये स्कैन कर देता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को और अपने अपने वहाँ पर रखा रहता है या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, अच्छा तरीका है। इसे सेटिंग्स कुछ कम है बट ये नॉर्मल यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं ये ट्रिक को। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। अभी के लिए बाय।